भारतीय किसान यूनियन अवध संगठन के किसान नेता राहुल मिश्रा की अगुवाई में उपजिल्लाधिकारी शाहबाद को 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि सरकार की मंशा है कि सरकारी भूमि, तालाबों और चरागाहों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए, लेकिन गांव से लेकर पालिका स्तर पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जेदारों का कब्जा कायम है। कब्जेदार किसी न किसी मंत्री विधायक को अपना करीबी बताकर प्रशासन को गुमराह करने में सफल है। उन्होंने कहा कि यदि समस्याओं का निराकरण एक सप्ताह में नहीं हुआ तो तहसीलदार परिसर में ही धरना प्रदर्शन करने को विवश होंगे। राहुल मिश्रा ने कहा, विकास खंड टोडरपुर अयारी, जलालपुर और विकास खंड पिहाने के बीजगबा, बरी, निपनिया, सरहेजू आदि कई गांवों में सरकारी भूमि पर कब्जे हैं। साथ ही नगर पालिका पिहाने के मुख्य तालाबों का अस्तित्व समाप्त कर निर्माण कार्य तक कराया जा चुका है, जिन्हें कब्जा मुक्त कराए जाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। ब्लॉक अध्यक्ष अतुल दीक्षित ने कहा, पिछले वर्ष जल सत्याग्रह के दौरान दिए गए ज्ञापन पर कार्यवाही होने के चलते भ्रष्टाचारी अधिकारियों के हौसले बुलंद है। इस मौके पर किसान नेता राहुल मिश्रा, अतुल दीक्षित ब्लॉक अध्यक्ष पिहानी, अमिताभ सिंह ब्लॉक अध्यक्ष टोडरपुर, वाशिम खान, रफन खान, सुनील तिवारी, विकास गुप्ता, आशीष कुमार, रमेश वर्मा आदि किसान मौजूद थे। अब आज सिर्फ ज्ञापन देना था, इसलिए कम किसान आए हैं, लेकिन 13 अगस्त को भारी संख्या में लेकिन अकेले कैसा आना, हम लोग सत्ताधारी है ना, किसानों की समस्या तो किसान साथ में। निकिता वरम्बे के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।